वक्त हो गया एक बहुत खास सेगमेंट का मंथन का, चलते 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 आपको छोड़ जाते हैं एक वीडियो के साथ, एक खबर के साथ, एक बयान के साथ, जहां एक तरफ पूरे देश में राम नाम की धुन मची है, राम नाम को लेकर लोग चमकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या राजनीतिक पार्टियां हों, सब इसका फायदा उठाने की कोशिश में। वहीं बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनका यह बयान बहुत सुर्खियों में है। कुछ साल पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि राम नाम जो है कल्पनी है, इसमें कोई हकीकत वाली बात नहीं। आज फिर उन्होंने बयान दिया, आपको छोड़ जाते हैं मंथन में इसी के साथ। राम को हम नहीं मानते हैं, वो आदमी नहीं था, काल्पनिक है वो, और वही पर करके पुजवा रहा है हम लोगों से, अत्यंत तरह की बात करवा रहा है और उसी में हमको डाल रहा है। तो यही आस्था है, आस्था तो किसी को जमी अच्छी मूर्ति पूजते हैं, हम पीढ़ी पूजते हैं, हम लोग देवता पूजते हैं, आस्था वो है और उसी को हम भगवान मान जाए तो उसी प्रकार से राम कोई भगवान नहीं है, वो उसके नाम पर ठीक है रामायण लिखी गई है, रामायण में बहुत सी ऐसी उक्तियाँ हैं जो पढ़ने योग्य समझने योग्य है, उसकी भी हम कहीं कहीं चर्चा करते हैं, लेकिन राम भगवान थे ये मानने को हम नहीं तैयार हैं। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ़ कीजिए, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है, सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चले अब हर जगह हम लोग कटोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है, और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू आपको, राम को नहीं मानते, राम कोई भगवान नहीं थे, राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया, राम को नहीं मानते, राम कोई भगवान नहीं थे, राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया, राम को नहीं मानते, राम कोई भगवान नहीं थे, राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया।